पिछले 7 दिनों में 13 ट्रेनों के हादसे हो गए हैं, जो कि 13वां हादसा झारखंड में हुआ। 18 बोगी पटरी से उतर गया है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि कितने घायल है, कितने की मृत्यु हुई है। ये हालात है हमारे देश के ट्रेन के लिए, के लोग को सफर करने के लिए भी डर लग रहा है कि कब ट्रेन कौन सी किधर हादसे हो जाएंगे। आगे वीडियो में देखें। आज सुबह झारखंड के खामड़ा मेल के 18 बोगियां इस दुर्घटना में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो घायलों की संख्या लगातार बढ़ती है। मोदी सरकार ने इस देश के रेलवे सिस्टम का मजाक बनाकर रखा है। केवल पिछले 13 दिनों में 7 ट्रेन हादसे हुए। आप ये टाइमलाइन देखिए, 18 जुलाई यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड़ में ट्रेन हादसा होता है, 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, फिर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा हुआ, 21 जुलाई को बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, 29 जुलाई यानी कि कल बिहार में ट्रेन हादसा हुआ, फिर आज एक बार फिर ट्रेन हादसा झारखंड में हुआ। इन घटनाओं में अब तक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, कईयों की मौत हो चुकी है। भारतीय रेलवे अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आम आदमी इसमें सफर करने से घबराने लगा है, उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर न रहा। लेकिन इन सब से देश के रेल मंत्री को कोई फर्क नहीं, देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए इस देश के रेल मंत्री को, जिन्हें गरीब और आम जो लाशों के ढेर पर अपना सिंहासन सजा कर बैठे और बेशर्मी से सियासत कर रहे हैं। कुछ हो ना हो, पर आपको इतिहास के पन्नों में सबसे फेल रेल मंत्री के तौर पर जरूर याद रखा जाए। अगर अब भी जरा सी इंसानियत, जरा सी शर्म बची है, तो जाइए और इस्तीफा दे दीजिए।